आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको सी 61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका मोबाइल फोन अगर हैंग करता है तो सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार ना रिबूट कर लेना है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का आपको ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे आकर ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका पेज आएगा, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का है ना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको है ना अपने मोबाइल फोन के ऐप्स को अपडेट करना है। प्ले स्टोर को ओपन करिए, इसमें आपको नीचे की साइड आपको सबसे ऊपर ये ना सर्च आइकन, ये जो ऑप्शन होता है प्रोफाइल पिक्चर का, प्रोफाइल पिक्चर पे टैप करना है। अब आपको इस वाला पेज आएगा, इसमें देखिए आपका ये ऑप्शन है मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पे टैप करना है। अब आपका ये वाला पेज आता है, इस पेज में आपको ना अपडेट अवेलेबल के नीचे अगर ये सी डिटेल का ऑप्शन दिखाई देता है तो सी डिटेल पे आपको टैप कर लेना है। ठीक है, तो आपका ये वाला पेज आएगा। इस पेज में आपको ये सबसे देखिए इस पेज में आपके ना मोबाइल फोन के वो सभी ऐप दिखाई देंगे जो आपके अपडेट नहीं है, उन सभी ऐप्स को ना अपडेट कर लेना है इस अपडेट ऑल के बटन पे टैप करके। ठीक है, देखिए एक काम और ये भी करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर भी आपको अपडेट जरूर कर लेना है। ठीक है ना, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।